हेलो स्टूडेंट्स, मैं गुनगुन आप सभी का केडी स्टडी बाय अंकित राजा पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ठीक है, ये हमारा चैनल है। आप लोग इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। ठीक है, आज हम लोगों ने कल पढ़ा था कंडीशनल, उसी के आगे हम नेक्स्ट आज स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, हम इसमें कंडीशनल सेंटेंस नहीं, हम कंजंक्शन कंप्लीट कर रहे हैं, टेंस कंप्लीट कर रहे हैं ना। इसमें देखिए, इसमें तो आपके चार नंबर तो आने आने पक्के, मतलब एक ना एक क्वेश्चन इसमें से आता आता है। ठीक है, देखिए कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कल हम लोगों ने फ्रेज क्लॉज और सेंटेंस में डिफरेंस देखा था। ठीक है, और हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने क्लॉज पढ़ी थी, क्लॉज क्या होती है। ठीक है, उसके अलावा मेन क्लॉज क्या होती है, सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होती है, कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होती है। ठीक है, सेंटेंस क्या होते हैं, तीन टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं वो कैसे होते हैं। ठीक है, उनकी डेफिनेशंस क्या होती है। उसके अलावा हमने कंडीशनल के तीन रूल भी पढ़े थे, उसी के साथ साथ हम आज छोटा सा शॉर्ट रिविजन करेंगे, उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, देखिए क्लॉज क्या होता है, इट इज़ द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच हैज़ इट्स ओन सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, जिसका खुद का अपना सब्जेक्ट और खुद का प्रेडिकेट होता है। ठीक है, ओन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, जिसका खुद का अपना सब्जेक्ट होगा और खुद का प्रेडिकेट होगा। ठीक है, वो क्या होती है, क्लॉज होती है। ठीक है, और क्लॉज की डेफिनेशन ये भी होती है कि क्लॉज हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट तो होगा होगा, और क्लॉज क्या होती है, क्लॉज हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब के साथ भी कंप्लीट रहती है और ऑब्जेक्ट के साथ भी कंप्लीट रहती है। अगर सिर्फ वर्ब दिया है तो भी ठीक है, और ऑब्जेक्ट दिया है तो भी ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट तीन टाइप की क्लॉज होती हैं, हम सेंटेंस के स्ट्रक्चर में अभी पढ़ेंगे कौन कौन सी क्लॉज होती है। तीन टाइप की क्लॉज होती हैं, ठीक है, एक मेन क्लॉज होती है, कोऑर्डिनेट क्लॉज होती है और सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है। ठीक है, कल भी हम लोगों ने देखी थी ये क्लॉजेस। ठीक है, मेन क्लॉज कौन सी होती है, जिसमें कंजंक्शन नहीं होता। ठीक है, मेन क्लॉज कौन सी होती है, जिसमें कंजंक्शन नहीं होता, और कोऑर्डिनेट क्लॉज कौन सी होती है, जिसमें कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है। ठीक है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस कौन से होते हैं, फैन बॉयज होते हैं, फॉर एंड बट नॉर येट सो। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट, जो भी क्लॉज, जो भी सेंटेंस, जो भी क्लॉज कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से स्टार्ट होता है वो क्या होता है, कोऑर्डिनेट क्लॉज होती है। नेक्स्ट सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होती है, सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है जो भी क्लॉज या सेंटेंस सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से स्टार्ट होता है वो क्या होती है, सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हम लोगों ने कल यही पढ़ा था, सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन क्या होते हैं, सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर क्या होते हैं। सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन कौन कौन से होते हैं, assertive, negative, affirmative, interrogative, imperative, ये सारे sentences क्या होते हैं, सारे sentences on the basis of function होते हैं। ठीक है, assertive sentence क्या होता है, normally एक sentence, normally हम जो भी बात करें, जो भी sentence बोल रहे हैं वो क्या होते हैं, assertive sentence होते हैं। ठीक है, इसमें positive sentence भी आ जाता है और negative sentence भी आ जाता है। ठीक है, positive sentence होगा तो अफर्मेटिव कहेंगे उसको, और नेगेटिव सेंटेंस होगा तो नेगेटिव, जो पॉजिटिव सेंस देगा वो क्या होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम क्या पूछ रहे होते हैं, क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं। ठीक है, इसमें एक येस नो टाइप क्वेश्चन भी होता है और डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चन भी होता है। ठीक है, येस नो टाइप क्वेश्चन कौन से होते हैं, यस नो टाइप क्वेश्चन कौन से होते हैं, जिसमें पहले हेल्पिंग वर्ब आती है फिर सब्जेक्ट आती है। ठीक है, या फिर हम जिसका रिप्लाई यस या नो में देते हैं वो यस नो टाइप क्वेश्चन होते हैं। सेकेंडली कौन से होते हैं, डब्ल्यू एच वर्ड टाइप क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन कौन से होते हैं, वॉट वेयर वैन, इन सब से जो ये जो डब्ल्यू एच वर्ड से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं वो क्या होते हैं, डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव के भी दो टाइप होते हैं, कौन कौन से, assertive के दो टाइप थे, affirmative और negative, और interrogative के दो टाइप है, yes no type question और WH type question। ठीक है, और WH type question में पूरा आंसर देना रहता है। ठीक है, yes no से काम नहीं चलता। ठीक है, थर्ड है imperative sentence, imperative sentences जो होते हैं,
इम्परेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? इम्परेटिव सेंटेंसेस जनरली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं या फिर लेट से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। जनरली किससे स्टार्ट होते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं या फिर लेट से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इम्परेटिव सेंटेंसेस हो गए, ठीक है। और इम्परेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? जो हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से या डायरेक्ट हम जिसमें यू हिडन होता है, ठीक है, वो क्या होते हैं? इम्परेटिव सेंटेंसेस होते हैं। सेकेंड नेक्स्ट आता है ऑपरेटिव सेंटेंस। ऑपरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? जैसे हम किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं, किसी को दुआ दे रहे हैं, ठीक है, तो ये सब क्या हो जाते हैं? कर्स, ठीक है, प्रेयर, ये सब क्या ऑपरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं जिनके लास्ट में ऑपरेटिव में भी लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा रहता है, पर एक्सक्लेमेटरी फीलिंग दिखाई जाती है, ठीक है। जैसे फीलिंग ऑफ जॉय, फीलिंग ऑफ सॉरो कि आप दुख में हैं या आप हैप्पीनेस में, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हमको ये दिखाते हैं, ठीक है। अब ये सब तो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन था। नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर कौन सा? पहला है सिंपल सेंटेंस। हम लोगों ने कल भी ये देखा था, सिंपल सेंटेंस क्या होता है? सिंपल सेंटेंस होता है जिसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है, ठीक है, और इसमें केवल एक ही मेन क्लॉज होती है। मेन क्लॉज क्या होती है? जिसमें कोई कंजंक्शन नहीं होता, सिर्फ क्या होता है? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट होता है, वो होती है सिंपल सेंटेंस, वो होती है मेन क्लॉज, ठीक है। अब सिंपल सेंटेंस भी वही होता है, मेन क्लॉज भी, इसमें कोई भी सबऑर्डिनेट क्लॉज या कोऑर्डिनेट क्लॉज नहीं होती है, ठीक है। तो जिसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगी? सिंपल सेंटेंस। देखो, वे आर ओनली सिंगल सब्जेक्ट एंड सिंगल प्रेडिकेट इन अ सेंटेंस कॉल्ड सिंपल सेंटेंस, ठीक है। नेक्स्ट है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं? कंपाउंड सेंटेंस कंजंक्शंस कंसीडर करते हैं, ठीक है। कंपाउंड सेंटेंसेस क्या होते हैं? इसमें दो क्लॉज होती है, एक मेन क्लॉज होती है और एक कोऑर्डिनेट क्लॉज होती है, ठीक है। एक मेन क्लॉज होती है और एक कोऑर्डिनेट क्लॉज होती है। कोऑर्डिनेट क्लॉज कौन सी होती है? जो भी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से क्लॉज स्टार्ट होती है, ठीक है, जो भी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से क्लॉज स्टार्ट होती है वो कोऑर्डिनेट क्लॉज होती है। और जो भी मेन क्लॉज में क्या होता है? मेन क्लॉज में कोई भी कंजंक्शन नहीं होता, डायरेक्ट सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, ये मेन क्लॉज होती है। और कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से स्टार्ट होगा, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है, वो क्या होगी? कोऑर्डिनेट क्लॉज होगी, ठीक है। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं जिसमें एक मेन क्लॉज होती है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है, ठीक है। मेन क्लॉज क्या होती है? मेन क्लॉज अभी हम लोग देखते हुए आ रहे हैं। मेन क्लॉज क्या होती है? जब सब्जेक्ट आए, वर्ब आए और ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये मेन क्लॉज हो गई, ठीक है। उसके बाद अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, ठीक है, फिर सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये क्या होती है? ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है। डेफिनेशन इन विच देयर आर टू क्लॉजेस, दैट इज मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है, जिसमें सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से क्लॉज स्टार्ट होगी या फिर मेन क्लॉज, दोनों रहती हैं जिसमें, ठीक है। नेक्स्ट कंजंक्शन देखते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से क्लॉज स्टार्ट होती है और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से क्लॉज स्टार्ट होती है, ठीक है। तो देखो कंजंक्शंस क्या होते हैं? कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं, ठीक है। जंक्शन से हमें समझ में आ रहा है ज्वाइनिंग, किसी चीज़ को ज्वाइन करने की बात आ रही है, ठीक है। तो जो कंजंक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं? कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं, ठीक है। जैसे अभी हम लोगों ने कोऑर्डिनेट कंजंक्शन पढ़ा, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से क्लॉज स्टार्ट होगी तो कोऑर्डिनेट क्लॉज होगी। अब कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं फैन बॉयज, ठीक है। फैन बॉयज क्या? अब ये फैन बॉयज क्या होता है? फैन बॉयज में ये याद करने का तरीका होता है, फैन बॉयज को हम ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं जहाँ पे एफ का मतलब फॉर रहता है, ए का मतलब एंड, एन का मतलब नॉर, बी का मतलब बट, ओ का मतलब और, वाई का मतलब यट और एस का मतलब सो, ठीक है। ये सारे क्या रहते हैं? हमारे कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस रहते हैं, ठीक है। कौन से रहते हैं? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कौन से होते हैं? अदर देन फैन बॉयज, मतलब फॉर, एंड, नॉर, बट, यट, सो, ठीक है, इन सबको छोड़कर जितने भी वन वर्ड कंजंक्शन होते हैं, कौन से? ओनली वन वर्ड कंजंक्शन,
ठीक है, सिर्फ एक वर्ड जब दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा होगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, वन वर्ड कंजंक्शन कहलाएगा, ठीक है, और वही क्या होता है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है अदर देन टेन वर्ड्स, जैसे इफ, इन केस, अनलेस, अंटिल, एज लॉन्ग एज, व्हेन, व्हाइल, आफ्टर, बिफोर, दैट, वेदर, देन, बाय द टाइम, दो, अल्दो, एज सून एज, बिकॉज, सिंस, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, एक्सेट्रा, ठीक है। ये सारे कौन से हैं, या सारे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। इसमें अनलेस और अंटिल जो है वो खुद नेगेटिव कंसीडर होता है, ठीक है। एक और है इसमें सपोज, ठीक है, तो इफ और सपोज, ठीक है, दो इसमें से दो कंजंक्शन एक साथ नहीं आ सकते, ठीक है। और सेकेंडली अनलेस और अंटिल, अनलेस और अंटिल का मतलब भी नेगेटिव सेंस देता है, इसलिए हम अनलेस अंटिल लिखने के बाद, अनलेस अंटिल लिखने के बाद हम नॉट नहीं लिखते, ठीक है, क्योंकि ये खुद ही में नेगेटिव सेंस देता है, ठीक है। और इफ और सपोज भी साथ में नहीं आता है, यही पेपर में क्वेश्चंस आते हैं कि अनलेस के साथ नॉट दे दिया जाता है, अंटिल के साथ नॉट दे दिया जाता है, ठीक है। वो रीड करने में हमें सही लगता है बट वो गलत है, ठीक है, क्यों, क्योंकि अंटिल और अनलेस खुद ही नेगेटिव सेंस देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कोरिलेटिव कंजंक्शंस, नेक्स्ट क्या है, कोरिलेटिव कंजंक्शन। कोरिलेटिव कंजंक्शन जो होते हैं पेयर ऑफ कंजंक्शन होते हैं, ठीक है। अभी तक हम लोग वन वर्ड कंजंक्शन पढ़ रहे थे, नेक्स्ट जो है ये होते हैं पेयर ऑफ कंजंक्शन होते हैं, ठीक है, जिसमें एक से ज्यादा कंजंक्शन दिए होते हैं, वो पेयर में दिए रहते हैं, उनको हम ब्रेक नहीं कर सकते, सिर्फ ईदर या सिर्फ और यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सारे क्या होते हैं, कोरिलेटिव कंजंक्शन होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ईदर ऑन, नीदर नॉन, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है, वेदर और, नॉट बट, ठीक है, ये सारे होते, ये क्या है, पेयर ऑफ कंजंक्शन। पेयर ऑफ कंजंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट, अब हमने जो सिंपल सेंटेंस पढ़े, कंपाउंड सेंटेंस पढ़े और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़े, ठीक है, उन्हीं पे हम क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, ठीक है, प्रैक्टिस टाइम। दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, हमें इसमें पता लगाना है क्या, कि कौन सा सिंपल है, कौन सा कंपाउंड है और कौन सा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। देखिए सब लोग, देखो, दे विल गेट अ पार्सल टुमारो, ठीक है, यहाँ पे दे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, दे क्या हो गया, सब्जेक्ट, विल गेट क्या हो गया, ये हमारी वर्ब हो गई, ठीक है, पार्सल टुमारो क्या हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब देखो इसमें वन सब्जेक्ट है, वन वर्ब है और वन ऑब्जेक्ट, ठीक है, और जिसमें एक सब्जेक्ट, और इसी पूरे को हम लोग सब्जेक्ट को छोड़कर ही हम लोग इस पूरे को क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट, ठीक है। तो जिसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट, ठीक है, अभी हमने देखा जिसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होगा वो क्या होगा, वो सिंपल सेंटेंस होगा। तो ये किस टाइप का सेंटेंस हो गया, ये सिंपल सेंटेंस, ठीक है। सेकंड देखिए, दे विल क्वालिफाई द एग्जाम इफ दे वर्क हार्ड, क्या होगा इसका, कौन सा सेंटेंस कहलाएगा ये, इसमें हम लोगों को क्या क्या देखना पड़ेगा, कंजंक्शन है या नहीं है, कंजंक्शन है तो कौन सा है, ठीक है, और अगर नहीं है तो क्या सिर्फ एक सब्जेक्ट है या दो सब्जेक्ट है, ठीक है। देखिए ये वाला क्या होगा इसमें, दे क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट, ठीक है, दे क्या है, सब्जेक्ट, विल क्वालिफाई क्या है, वर्ब, ठीक है, द एग्जाम क्या है, द एग्जाम ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इफ दिया हुआ है, इफ क्या होता है, इफ कंजंक्शन होता है, किस टाइप का कंजंक्शन होता है, इफ, इफ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है, ठीक है। ये कौन सा कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, कौन सा कंजंक्शन है, सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन है, ठीक है।
अब जब इतना पता चल गया सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है तो आगे की क्लॉज कौन सी होगी, सबऑर्डिनेट क्लॉज, मतलब ये कौन सी क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, देखो यहाँ पे वर्ब हार्ड, वर्ब और एडवर्ब लिखा हुआ, ठीक है, या फिर एडजेक्टिव भी, ठीक है। तो देखो इफ क्या है, कंजंक्शन, कौन सा कंजंक्शन, सबऑर्डिनेट, तो इसके बाद क्लॉज दी हुई है, ठीक है। मैंने कहा था ना सब्जेक्ट प्लस वर्ब के साथ भी कंप्लीट रहता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के साथ भी कंप्लीट रहता है, ठीक है। अब देखो दे क्या है, सब्जेक्ट है, वर्क क्या है, वर्ब, ठीक है। हार्ड क्या है, ये वर्क के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो वर्ब के बारे में जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देगा वो क्या हो जाएगा हमारा, एडवर्ब, ठीक है। तो हार्ड क्या है, एडवर्ब। तो देखो सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, फिर सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है। तो ये वाली क्लॉज हमारी कौन सी हो गई, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से स्टार्ट हो रही है, तो कौन सी क्लॉज हो गई, ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गई, ठीक है। इसके आगे कोई कंजंक्शन नहीं है तो ये कौन सी क्लॉज हो गई, मेन क्लॉज हो गई, ठीक है। ये वाली मेन क्लॉज हो गई, ये वाली सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गई, ठीक है। तो ये सेंटेंस कौन सा हुआ, जिसमें मेन क्लॉज हो और सबऑर्डिनेट क्लॉज हो, मेन क्लॉज प्लस सबऑर्डिनेट क्लॉज, तो कौन सा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कौन से टाइप का सेंटेंस है ये, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। दोनों सेंटेंसेस समझ में आया कि सेकंड वाला कॉम्प्लेक्स क्यों है और फर्स्ट वाला सिंपल क्यों है। चलिए नेक्स्ट, वी कैन नॉट गो आउटसाइड एज इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। कैट्स एंड डॉग्स क्या होते हैं, कैट्स एंड डॉग्स एक फ्रेज होती है, ठीक है। क्या होती है, ये एक फ्रेज होती है, इसका मतलब होता है हैवीली कोई चीज होना, बहुत ज्यादा, बहुत तेजी से, ठीक है। ये कौन सा सेंटेंस है, देखो वी क्या है, सब्जेक्ट, कैन नॉट गो, वर्ब, आउटसाइड उसका ऑब्जेक्ट, ठीक है। एज कंजंक्शन है, ठीक है, किस टाइप का कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। किस टाइप का कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, ठीक है। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से समझ में आ गया ये कौन सी क्लॉज हो गई, कोऑर्डिनेट क्लॉज हो गई, ठीक है। और इसके पहले कोई कंजंक्शन नहीं है, कौन सी क्लॉज हो गई, मेन क्लॉज हो गई, ठीक है। एट क्या है, सब्जेक्ट, इज रेनिंग वर्ब, और कैट्स एंड डॉग मतलब फ्रेज, तो ये ऑब्जेक्ट हो गए, ठीक है। अब ये कौन सी क्लॉज है, कोऑर्डिनेट क्लॉज, वो मेन क्लॉज, जिसमें एक मेन क्लॉज और एक कोऑर्डिनेट क्लॉज होती है, वो कैसा सेंटेंस होता है हमारा, वो कंपाउंड सेंटेंस होता है, ठीक है। तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया, ये कंपाउंड सेंटेंस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, द मैन वॉज वेरी बिजी सो ही डिड नॉट अटेंड द मीटिंग। देखिए करिए इसको, द मैन क्या है, सब्जेक्ट, देखो इसके पहले कोई कंजंक्शन नहीं है, मतलब इतना समझ में आ गया ये मेन क्लॉज है, ठीक है। अब कहाँ तक मेन क्लॉज है ये देखनी है, ठीक है। ये सब्जेक्ट है, ठीक है, वॉज, ठीक है, वॉज क्या हो गई, वर्ब, ठीक है, वेरी बिजी ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो ये मेन क्लॉज हो गई, सो कंजंक्शन है, सो कंजंक्शन है, ठीक है। कौन सा कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, ठीक है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, और ये सब्जेक्ट, ठीक है। डिड नॉट अटेंड क्या है, डिड नॉट अटेंड हमारा वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। देखिए तो कौन सा कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, तो ये कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है। कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट वाला करिए, द आंट इज एंग्री बिकॉज समवन हैज ब्रोकन हर स्टिक,
ठीक है, क्या होगा? द आंट क्या हो गया? सब्जेक्ट, इज एंग्री वर्ब, ठीक है। अब देखो, बिकॉज, बिकॉज कंजंक्शन होता है, किस टाइप का कंजंक्शन है? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, ठीक है। तो मतलब इसके पहले मैंने कहा था सब्जेक्ट और वर्ब के साथ क्लॉज कंप्लीट रहती है, ठीक है। तो ये इसके आगे कोई कंजंक्शन नहीं है तो मेन क्लॉज हो गई, ठीक है। बिकॉज क्या है? बिकॉज सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, ठीक है। और ये क्या है? समवन क्या है? सब्जेक्ट है, एक टाइप का प्रोनाउन है, ठीक है। हैज ब्रोकन वर्ब, हैस्टिक ऑब्जेक्ट, ठीक है। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होगा अगर, तो ये कौन सी क्लॉज हो जाएगी हमारी? सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगी, ठीक है। और मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज के साथ अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज और मेन क्लॉज दोनों दी रहेगी तो वो कैस किस टाइप का सेंटेंस होता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। किस टाइप का सेंटेंस होगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। नेक्स्ट देखो, व्हेन आई रीच्ड होम द नेबर वॉज वर्किंग इन द गार्डन, ठीक है। व्हेन देखो, व्हेन किस टाइप का कंजंक्शन है? व्हेन सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। व्हेन किस टाइप का कंजंक्शन है? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, ठीक है। तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, आई रीच्ड होम, ये क्या है? आई क्या है? सब्जेक्ट, रीच्ड वर्ब, और होम ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये कौन सी क्लॉज हो गई? ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गई, ठीक है। द नेबर ये सब्जेक्ट हो गया, वॉज वर्किंग वर्ब, इन द गार्डन ऑब्जेक्ट। तो ये कौन सी क्लॉज हो गई? ये मेन क्लॉज हो गई। अब सबऑर्डिनेट क्लॉज और मेन क्लॉज सेंटेंस में रहते हैं तो वो किस टाइप का सेंटेंस होता है? वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। तो ये भी किस टाइप का सेंटेंस है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। नेक्स्ट देखो, देखो, आई एम इल टूडे सो आई विल नॉट ज्वाइन द पार्टी, ठीक है। देखो, आई, ठीक है, आई सब्जेक्ट है, एम इल, ठीक है, क्या है? एम वर्ब है, ठीक है, टुडे ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। सो कंजंक्शन है, किस टाइप का कंजंक्शन है? एन बॉयज वाला है, एच से सो, ठीक है। तो ये कौन सा कंजंक्शन है? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। और ये अगर ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, उसके बाद की क्लॉज कौन सी हो गई? कोऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगी, ठीक है। देखो, सब्जेक्ट है, वर्ब है, और ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये कौन सी क्लॉज हो गई? मेन क्लॉज हो गई, ये कोऑर्डिनेट क्लॉज हो गई, कौन सा सेंटेंस हो गया? कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है। नेक्स्ट देखो, रुचि विल गेट अ प्राइस इफ शी सिंग्स वेल, ठीक है। रुचि क्या है? सब्जेक्ट, नाउन है एक, ठीक है। विल गेट क्या है? वर्ब। अ प्राइस क्या है? ऑब्जेक्ट, ठीक है। देखो, इफ क्या है? इफ कौन सा कंजंक्शन है? इफ हमारा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, ठीक है। इफ कौन सा कंजंक्शन है? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, ठीक है। उसके बाद की क्लॉज क्या हो गई? सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गई, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये कौन सी क्लॉज हो गई? सबऑर्डिनेट क्लॉज और मेन क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज के साथ मेन क्लॉज कौन सा हो गया? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। कौन सा हो गया? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा, ठीक है। नेक्स्ट, कंडीशनल सेंटेंस, ठीक है। हमारा मेन टॉपिक यही था, ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस। बाकी जो टेंस और देखना था हमें इसमें, तो टेंस मैंने कल पढ़ा दिया। सिंपल प्रेजेंट हम कैसे बनाएंगे, सिंपल पास्ट कैसे बनाएंगे, सिंपल फ्यूचर, सिंपल प्रेजेंट कैसे बनाएंगे? अगर अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कौन सी होती है? एस या ईएस, जिस वर्ब में जोड़ा होता है वो हमेशा सिंगुलर होती है, ठीक है। सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट क्या होता है? सिंपल पास्ट अगर वर्ब की सेकेंड फॉर्म होता है, ठीक है। इन दोनों में जब अफर्मेटिव होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, और वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखते हैं, ठीक है।
बट अगर सिंपल प्रेजेंट में नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आ जाते हैं तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, डू या डस का यूज़ करते हैं, ठीक है। डू प्लूरल के लिए यूज़ करेंगे और डस सिंगुलर के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट में भी अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म करेंगे, ठीक है। और इंट्रोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंस होगा तो हम डिड का यूज करेंगे, पर डिड के बाद हम कोई और वर्ब की फॉर्म नहीं लगाएंगे, डिड के बाद हम क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे, ठीक है। उसके अलावा हम लोगों ने पढ़े थे सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर में क्या करते हैं, मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं, विल, शैल, कैन, मे के बाद, और टू, मस्ट, इनके बाद हम क्या लगा देते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमने कंटिन्यूस फॉर्म्स पढ़े थे, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूस क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है इज एम आर के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं हम, ठीक है। और वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं उसको, वर्ब की आईएनजी फॉर्म को। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा था कि पास्ट कंटिन्यूस कैसे बनेगा। पास्ट कंटिन्यूस कैसे बनेगा, पास्ट कंटिन्यूस बनेगा हम वॉज और वर लगाते हैं, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। वॉज सिंगुलर के साथ और वर प्लूरल के साथ, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा था फ्यूचर कंटिन्यूस क्या होता है। फ्यूचर कंटिन्यूस हम मॉडल्स लिखते हैं, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब की आईएनजी, ठीक है, विल, शैल, कैन, में, फिर बी, फिर वर्ब की आईएनजी, ठीक है। नेक्स्ट क्या देखा था हम लोगों ने, परफेक्ट। परफेक्ट कैसे बनाते हैं हम, प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में हम हैज या हैव उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। हैज हैव क्या होता है, हैज सिंगुलर के साथ लगाएंगे और हैव प्लूरल के साथ लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हम लोगों ने देखा था पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में सिंगुलर प्लूरल कुछ नहीं होता, हैड ही लगाते हैं सिंगुलर के साथ भी और प्लूरल के साथ भी, ठीक है। हैड फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। और फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट बनता है वुड, सॉरी, विल, शैल, कैन, मे, इनके बाद हम क्या लगाएंगे, हैव, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा था परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है। परफेक्ट कंटिन्यूस हम कैसे बनाएंगे, परफेक्ट कंटिन्यूस बनता है पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस कैसे बनेगा, हैज हैव फिर बीन, क्यों, क्योंकि हमें परफेक्ट बनाना है तो हमें बी की फॉर्म डालनी पड़ेगी, ठीक है। तो बीन फिर वर्ब की आईएनजी। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, हैड उसके बाद बीन फिर वर्ब की आईएनजी। नेक्स्ट लास्ट जो था हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, इसमें हम क्या करेंगे, सारे मॉडल्स लिखेंगे, उसके बाद हैव, ठीक है, फिर बीन, फिर वर्ब की आईएनजी, ठीक है। इसमें हैज नहीं होगा, ठीक है, हैव ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे थे कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है। इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस कंडीशन, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस सबऑर्डिनेट क्लॉज के साथ होंगे, ठीक है, जिसमें मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज रहेगी, ठीक है, जिसमें क्या होगा, मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। नेक्स्ट ये हम लोगों ने रूल देखे थे, आज फिर हम लोग रूल देख लेते हैं, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या सिंपल प्रेजेंट रहेगा, किसमें, इफ क्लॉज में, अगर सिंपल प्रेजेंट रहेगा तो हम मेन क्लॉज में क्या कर देंगे, सिंपल फ्यूचर, क्या लिखेंगे, सिंपल फ्यूचर विल के साथ, विल, विल, शैल, कैन, मे, इनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। अगर इफ क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट दिया होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी रहेगी, तो हम मेन क्लॉज में क्या कर देंगे, मेन क्लॉज में सिंपल फ्यूचर का यूज करेंगे, विल, शैल, कैन, में क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये कौन सा कंडीशनल होगा, ओपन कंडीशन, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट क्या है, अगर इफ क्लॉज में वर्ब की सेकेंड फॉर्म दी रहेगी, क्या बोला मैंने, इफ क्लॉज में वर्ब की सेकेंड फॉर्म दी रहेगी तो मेन क्लॉज में क्या होगा, मेन क्लॉज में वुड के साथ गेट, वुड, कुड, माइट या शुड, ठीक है, वुड, कुड, माइट या शुड, इनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। और ये कौन सा कंडीशनल हो जाएगा हमारा, सेमी क्लोज्ड, कौन सा कंडीशनल होगा, सेमी क्लोज्ड। नेक्स्ट था हमारा, नेक्स्ट थर्ड रूल था, ये फर्स्ट रूल, ये सेकेंड रूल और ये थर्ड रूल। थर्ड रूल क्या था, अगर हैड मिस्ड होगा, हैड मिस्ड, अभी मैंने बताया हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट, यानी कि इफ क्लॉज अगर पास्ट परफेक्ट में रहेगी, पास्ट परफेक्ट, ठीक है,
मतलब हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो मेन क्लॉज में क्या करोगे, वुड हैव गॉटन, ठीक है, या वुड, कोड, माइट, शुड, ठीक है। इसके बाद हैव, हैज नहीं आएगा, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, क्या आएगा, हैव आएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम मॉडल्स का डायरेक्ट वर्ब की कोई और फॉर्म नहीं लिख सकते, हमें बेस फॉर्म लिखनी रहती है, इसलिए हैव की बेस फॉर्म क्या होती है, हैव ही होती है। ठीक है, और इसके साथ ये हमारा कौन सा कंडीशनल हो गया, ये हमारा क्लोज्ड कंडीशनल हो गया। कैसा कंडीशनल हो गया, क्लोज्ड कंडीशनल। ठीक है, नेक्स्ट अब हम कंडीशनल के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलिए नए क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए, इफ शी सिंग्स वेल शी वुड गेट अ प्राइज। ठीक है, इसमें कोई हमें ये देखना है सेंटेंस करेक्ट है या रॉन्ग। ठीक है, रॉन्ग है तो इसमें करेक्शन क्या होगा। देखिए, इफ शी सिंग्स वेल शी वुड गेट अ प्राइज, सभी कंडीशनल सेंटेंस है, सभी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, सब में सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ठीक है, देखिए पहले वाला क्या होगा, इफ क्लॉज सिंपल प्रेजेंट में, तो मेन क्लॉज किस में हो जाएगी, विल गेट, क्या होगा, विल गेट, वुड गेट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहां पे हमारा सिंपल प्रेजेंट आ रहा है, क्या आ रहा है, सिंपल प्रेजेंट। इसी के साथ हमें यहां पे क्या लिखना पड़ेगा, सिंपल फ्यूचर। ठीक है, और जब हम पास्ट के एक्सप्रेशंस दिखाते हैं तब हम वुड का यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये वाला सेंटेंस समझ में आया, इफ शी सिंग्स वेल शी वुड गेट अ प्राइज। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे अगर सिंपल प्रेजेंट होगा, ठीक है, अगर इफ क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट दिया रहेगा तो मेन क्लॉज में हम क्या करेंगे, मेन क्लॉज में विल, शैल, कैन, में, इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, वुड गेट, सॉरी विल गेट। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखिए, नेक्स्ट वाला इफ, ये सारे पे जितने भी कंडीशनल सेंटेंस दिए रहेंगे वो किस में दिए रहेंगे, हमें सबऑर्डिनेट क्लॉज में दिए रहेंगे। ठीक है, अब देखो, इफ इट रेन्स, रेन्स वर्ब की कौन सी फॉर्म दे दी, फिफ्थ फॉर्म, मतलब सिंपल प्रेजेंट। अगर यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा विल, शैल, कैन, मे के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे होगा विल नॉट प्ले। ठीक है, ये भी गलत है, यहाँ पे क्या होगा, विल नॉट प्ले। ठीक है, और भी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये देखिए, ये सब आप लोग ट्राई कीजिएगा इन क्वेश्चंस को। ठीक है, हम लोग इन क्वेश्चंस को कल डिस्कस करेंगे, कमेंट में आंसर करिएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस करिएगा, सब कुछ जो हमने रूल्स पढ़े हैं उसी पे डिपेंड है। ठीक है, 10 क्वेश्चन है, 2 कर लिए हम लोगों ने, 8 क्वेश्चन आप लोग कीजिएगा। ठीक है, तो ठीक है, ये क्वेश्चंस आप लोग कर लीजिएगा, कमेंट में आंसर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, और हमारे चैनल KD स्टडी बाय अंकित राजा को सब्सक्राइब कर, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, फैलाइए खूब। ठीक है, तो टाटा, बाय बाय।